Hi, good morning. Thank you. गुड मॉर्निंग. तो आज है डे 4 और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम आ गए हैं यहाँ इन्फिनिटी पूल में 57th फ्लोर पे. यहाँ इन्फिनिटी पूल में बड़ा सही मज़ा आ रहा है और सिंगापुर का व्यू भी बड़ा सही दिखाई दे रहा है यहाँ से. और यहाँ पर 3 सेक्शंस बने हुए हैं स्विमिंग पूल के. पीछे एक ये है जिसमें हम हैं और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे, क्योंकि कल क्लाउड फॉरेस्ट बंद था मेंटेनेंस की वजह से. तो अभी वही देखने जा रहे हैं. ये है क्लाउड फॉरेस्ट का आर्टिफिशियल वाटरफॉल. अभी हम लोग आ गए हैं 7th फ्लोर पे और इस जगह का नाम है लॉस्ट वर्ल्ड. क्लाउड फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा था. अच्छा किया कि हम फटाफट से जल्दी से टाइम निकाल के यहाँ पर आ गए. अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाली जगह है. बट अभी 10:45 हो गए हैं और 11 बजे हमें चेकआउट भी करना है, तो हमने जल्दी जल्दी से क्लाउड फॉरेस्ट भी कवर कर लिया. अच्छा था बहुत. हम लोग पहुंच चुके हैं सेंटोसा आइलैंड और चेक इन किया है सेंटोसो बीच रिजॉर्ट में. लेकिन अभी यहां पर रूम हमें मिलेगा 3 बजे, तो हम लगेज सबमिट करके अभी जा रहे हैं सेंटोसा एक्टिविटीज करने. अभी हम लोग हैं सिंगापुर केबल कार में. डर तो नहीं लग रहा है? लेकिन है कहाँ? अरे ये यूनिवर्सल स्टूडियो है क्या? कहाँ? नीचे. नहीं, ये देखो ना सारे राइड्स हैं, वाटर राइड्स. ये वाटर पार्क है एंड शायद ये एडवेंचर को वाटर पार्क है. ये देखो यहाँ से हम सिंगापुर जा रहे हैं. हाँ, सेंटोसा आइलैंड से सिंगापुर लेके जाती है, फिर सिंगापुर से सेंटोसा आइलैंड लेके आती है. नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे. केबल कार के बाद हम लोग आ गए हैं मैडम पुसाट्स. ये शुरू होता है बोट राइड के साथ.
शाम के 4 बज गए हैं और अब जाके हम अपने होटल रूम में चेक इन करेंगे। यहाँ सिंगापुर में चेक इन, होटल चेक इन काफ़ी लेट होता है, 3 बजे। होटल में 2.5 घंटे आराम करने के बाद अब हम लोग निकले हैं फिर से एक्टिविटीज़ करने। तो अभी जा रहे हैं हम स्काई राइड लुज। पहले अपने लिए हेलमेट ले लो, टू टिकट्स। ये स्काई राइड, तो हम ये ट्रॉली में बैठ के ऊपर जा रहे हैं और फिर लुज से नीचे आना है, और ये राइड हम 2 बार कर सकते हैं। स्माइल फॉर द कैमरा। हमारे पीछे देखो सी का पूरा व्यू आ रहा है, शिप्स दिखाई दे रहा है। लग रहा है डर कैसे बैठे हो पकड़ के। हमें वहाँ तक जाना है। नहीं नहीं नहीं, हमें बस यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से हम लुज से नीचे जाएंगे। जैसे वो जा रहे हैं ना नीचे, वैसे ही अभी नीचे जाना है लुज से। यार ये लुज राइड में तो मज़ा आ गया, बीच में हैंडल इतना टाइट पकड़ना था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन इस टाइम ट्राई करूंगा कि रिकॉर्ड कर पाऊँ कुछ। अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं स्काई राइड पे और फिर से लुज राइड करके नीचे आएंगे। ये हमारी सेकंड स्काई राइड है, दोबारा भी आएंगे, 2 राइड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। देखो ये जो ट्रैक है ना, इसमें मैं देखा था। हाँ, मैं कैमरा रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, बट मैं उस येलो वाली ट्रैक के ऊपर चला गया था। पिछली बार हम इस वाले ट्रैक से आए थे ना, इस बार उस वाले ट्रैक से जाएंगे। लास्ट टाइम लुज राइड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन इस टाइम कुछ जुगाड़ करता हूँ कि गोप्रो से रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी सेकंड वाली जो लूज राइड थी, उसमें मैंने किसी तरह तो जुगाड़ करके अपना घड़ी का स्ट्रैप उल्टा करके उसमें गोप्रो अटकाया और रिकॉर्डिंग करी है, देखते हैं कैसी आती है। तो 8:40 पे हमें विंग्स ऑफ टाइम जाना है, यहाँ पे कुछ लेज़र शो होगा, तो अभी 1.5 घंटा टाइम पास करते हैं, बीच पे चलते हैं। पानी में है ये, बीच के पास keep on hoping, we just have keep on loving, let us keep on hoping. Hi everyone. Hi. Well, maybe we can go and take a look. Hey, oh wait, Rachel. 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 Ah! But I've slept for thousands and thousands of years then. तो आज का शो यही ख़त्म होता है, अब डिनर करते हैं, होटल जाते हैं, मिलते हैं कल जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़। टाटा।